वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। जी हाँ गाइस, डायबिटीज़ का पता करने के लिए हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और कितने समय के अंतराल में करवाने चाहिए। कई बार हम डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि आप FBS, PPBS या RBS करवा लीजिए। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि ये टेस्ट कैसे करवाने हैं, कितने समय के बीच में करवाने हैं और कब करवाने हैं, क्योंकि कई बार डॉक्टर आपको प्रॉपर नहीं बताता है कि ये टेस्ट आपको कब करवाना है, कौन से समय में करवाना है। इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं टेस्ट कब करवाऊँ। तो बस आज वही सारे डाउट्स मैं आप लोग के साथ क्लियर करूँगी। तो गाइस, तीन तरह के टेस्ट होते हैं शुगर, ब्लड शुगर के दौरान। सबसे पहला हमारा होता है FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर। जी हाँ गाइस, आपने कई बार आपके पेपर में देखा होगा जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं उसमें लिखा होता है FBS, यानी कि आप उसको समझ जाइए कि वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। जी हाँ गाइस, फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि खाली पेट आपको सैंपल देना रहता है। मॉर्निंग में जब आप खाली पेट रहते हैं यानी कि बिल्कुल भी चाय नहीं लेनी, आपको कॉफ़ी भी नहीं लेना है, आप कोई नाश्ता नहीं ले सकते, उसके पहले आपको मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले आपको सैंपल देना है, उसे बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। क्योंकि गाइज फास्टिंग ब्लड शुगर में आपको आपकी खाली पेट की शुगर आपको पता चलेगी कि आपकी खाली पेट में शुगर कितनी आ रही है। तो गाइस उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 70 से 110 के बीच में। जी हाँ गाइस, 70 से 110 के बीच में उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर आपकी वैल्यू 110 से ज़्यादा आती है तो आप समझ जाइए कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और अगर 70 से कम आती है तो आपका शुगर कम आ रहा है। जी हाँ गाइस, तो आपकी नॉर्मल वैल्यू 70 से 110 के बीच में रहनी चाहिए, तभी आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल होगी। तो आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई होगी कि फास्टिंग क्या होता है। अब हमारी सेकेंड आती है PPBS यानी कि पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। जी हाँ गाइस, ये टेस्ट हमें खाना खाने के 2 घंटे के बाद करवाना चाहिए। जी हाँ गाइस, जैसे कि हमने फास्टिंग का सैंपल दिया, आपने जब फास्टिंग का सैंपल दे दिया उसके बाद आपने घर जाने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 9 बजे खाना खाया है, तो आपको 11 बजे के दौरान ये सैंपल देना रहता है। 2 घंटे का अंतराल इसके बीच में चाहिए ही चाहिए आपको। अगर आपने टाइम का बिल्कुल ध्यान रखा तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो गाइज़ इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 70 से 140 के बीच में। जी हाँ गाइज़, अगर 140 से ज़्यादा आपकी शुगर बता रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। जी हाँ गाइज़, 140 से ज़्यादा अगर आपकी शुगर आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी शुगर की मात्रा बढ़ गई है। तो गाइज़ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फास्टिंग और PPBS में क्या डिफरेंस होता है और ये टेस्ट हमें कब कराने चाहिए। और थर्ड हमारा आता है RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर। ये आप कभी भी करवा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको खाना खाने के बाद करवाइए या खाना खाने के पहले करवाइए, खाना खाने के कितने घंटे बाद करवानी है, ये आप कभी भी करवा सकते हो। इसलिए इसे रैंडम ब्लड शुगर कहा जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 200 के बीच में होनी चाहिए। 200 से ज़्यादा अगर आपकी शुगर आती है तो आप समझ जाइए कि आपकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है। वैसे तो जहाँ तक मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप हमेशा फास्टिंग या PPBS ही करवाएं, क्योंकि आप एक्यूरेट पता कर सकते हो कि आपकी आपका शुगर लेवल कितना है, या कम तो नहीं है या फिर ज़्यादा तो नहीं है। तो गाइस ये तो कोई तीनों ब्लड शुगर की बात। अब फोर्थ हमारा आता है HbA1c। जी हाँ गाइस, HbA1c यानी कि 3 मंथ का पुराना शुगर लेवल। जी हाँ गाइस, अगर आपको मान लीजिए शुगर है और आप चाहते हो कि मैं इसका ट्रीटमेंट शुरू करूँ, तो पहले उसके पहले आप HbA1c ज़रूर करवाएं एक बार। आपको पता होना चाहिए कि 3 मंथ से हमारा शुगर लेवल क्या चल रहा था। अगर मान लीजिए आपकी शुगर की मात्रा पहले 3 महीने से ही बढ़ी हुई है तो फिर आप तुरंत आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और आप शुगर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फास्टिंग, PPBS, RBS और HbA1c में क्या डिफरेंस है, और ये कब करवाने चाहिए, और इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और ये कब बढ़ी हुई रहती है और कब कम रहती है। तो गाइस आप इसको करने के लिए या तो आप किसी लैब में जाके आपका ब्लड सैंपल दे सकते हैं, तभी आप ब्लड शुगर का टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर आप घर पे ही ग्लूकोमीटर खरीद कर घर पे ही आप अपना खुद का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपको नॉर्मली कहीं भी ऑनलाइन से आपको ग्लूकोमीटर मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी शॉप से ग्लूकोमीटर खरीद सकते हैं, और आपको ग्लूकोमीटर के हेल्प से आप घर पर ही पता कर सकते हो कि आपकी नॉर्मल शुगर कितनी है, खाना खाने के बाद की शुगर कितनी है,
तो उसके लिए आपको ग्लूकोमीटर का यूज़ करना भी आना चाहिए। जी हाँ गाइस, जब भी आप किसी शॉप पे जाओ तो उनसे बोलिए कि आप मुझे इसे कंप्लीट करके दे दीजिए, और उनसे आप बोल दीजिए कि आप मुझे एक बार बता दीजिए कि मैं इसका यूज़ कैसे करूँ, क्योंकि कई लोगों को ग्लूकोमीटर का यूज़ करना नहीं आता है। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि ग्लूकोमीटर वाली वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ग्लूकोमीटर वाली वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि कई लोगों को नहीं समझ आता है कि ग्लूकोमीटर का यूज़ कैसे करें। और आज कल की लाइफस्टाइल को देखा जाए तो कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, यानी 50% लोगों को तो शुगर होगा ही होगा गाइस। तो हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो लैब जाए, अपना ब्लड सैंपल दे और टेस्ट करवाए, इसलिए आप घर पर ही ग्लूकोमीटर खरीद ले और आप खुद से ही ब्लड टेस्ट करना सीखें। तो गाइस, मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई हैं कि शुगर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, खाना खाने के पहले की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, बाद की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर आप जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हो और अगर आपको रिपोर्ट मिलती है और आपको रिपोर्ट नहीं समझ में आ रही है, तो जो नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई है उसके बीच में अगर आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है, तो आप समझ जाइए कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या कम है। तो आपको डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही घर पर ही रिपोर्ट चेक कर सकते हो। गाइस, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि शुगर क्या होता है, कब कराना चाहिए और कितने समय के बीच में कराना चाहिए। और गाइस, मैं एक और एडवाइस आपको देना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपने घर पर ग्लूकोमीटर से आपका शुगर करा और आपने नया नया ग्लूकोमीटर खरीदा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ग्लूकोमीटर का यूज़ आप 2 से 3 सालों तक करते ही जा रहे हैं, तो आप अगर आपकी शुगर और उसमें बढ़ी हुई आ रही है, तो एक बार आप लैब जाकर ब्लड सैंपल देकर टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि ब्लड सैंपल देकर जो टेस्ट सीरम के द्वारा ब्लड टेस्ट के सीरम से जो टेस्ट किया जाता है उसकी नॉर्म उसकी वैल्यू और घर पर जो हम 3 से 4 सालों तक जो ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं उसकी रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो कई बार हम घबरा जाते हैं, यार इतनी ज़्यादा शुगर तो नहीं थी, तो कई बार ऐसा हो जाता है गाइस कि ग्लूकोमीटर में आपकी एक्यूरेट नहीं आती है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बिल्कुल लैब जाकर आपका टेस्ट करवा सकते हो, और इसका कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगता है, क्योंकि शुगर हर एक दूसरे पर्सन को शुगर की प्रॉब्लम है, तो इसके बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। तो आप इतना टेंशन ना लें कि यार अब मैं लैब जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाएगा ऐसा वैसा, तो नहीं यार गाइस, बहुत कम चार्जेस में ब्लड शुगर होता है। और आपको वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि हमारी शुगर की मात्रा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।